लाल कुआं पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने बीजेपी की पर्दाफाश रैली को लेकर जमकर हमला बोला। उपाध्याय ने कहा कि महंगाई और केंद्र की विफलताओं को छुपाने के लिए राज्य में बीजेपी पर्दाफाश रैली कराकर लोगों को गुमराह कर रही है। उपाध्याय ने पर्दाफाश रैलियों में जा रहे बागी नेताओं के लिए कहा कि जो कांग्रेसी होकर कांग्रेसी नहीं हो पाए वो बीजेपी के क्या होंगे। उपाध्याय ने कहा कि 10 बागियों के सहारे बीजेपी सत्ता पाने का ख्वाब देख रही है जो कभी भी पूरा नहीं होगा। आज हमारे 10 जो बागी विधायक कांग्रेस से निष्कासित विधायक है उनके दम पे सत्ता कहना चाहते हैं। यहाँ उत्तराखंड की महान जनता अच्छी तरह जानती है, यहाँ की पढ़ी लिखी जनता जानती है कि हरीश रावत जैसा सशक्त आदमी, जमीन जुड़ा हुआ नेता जो विकास की गति को पहाड़ से लेकर प्लेन तक बहा रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो आज चाहे कोई भी इलेक्शन के दौरान हो, आप देखिए रावत जी के इलेक्शन, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे सब इलेक्शन हो, सब जीत हथा की इसलिए बौखलाए हैं। आज नरेंद्र मोदी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? आज सुप्रीम कोर्ट के वजह से सरकार दोबारा आई, हिंदुत्व की बात सदा तो राष्ट्रपति शासन में सरकार बनी, कहते हैं 60% लगा दिया। मैं तो धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि महान हाईकोर्ट के न्यायालय को, जिनके बदौलत आज रावत जी आ रहे हैं और अपने विकास कार्य जो मार्च के महीने जो डेवलपमेंट कार्य होने चाहिए वो सब ठप्पड़ के 3 महीने आज उसे रिकवर करने के लिए हमें 6 महीना चाहिए। आज अगर रावत जी चाहते उसी दौरान अगर इलेक्शन कर दिए, उपचुनाव घोषणा कर दिए होते तो आप समझ सकते पूरी जनता पूरे तक के साथ थी, लेकिन अभी भी पूरी जनता है मुझे भरोसा। ये जो दुष्प्रचार गुमराह करने की बात कर रहे हैं, जनता सब जानती है, सब समझती है। देवभूमि न्यूज हल्द्वानी।